अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इंडिकेटेड टर्म, ये कोई एक टर्म इंडिकेट करेगा उस बायनॉमियल थ्योरम की जो एक्सप्रेशंस होगी, इसको जब सॉल्व करोगे उसमें से वो टर्म सिर्फ निकालनी है, तो पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास छोटा सा फार्मूला है, ये फार्मूला हमने उस दिन पढ़ा भी था, टी आर प्लस वन एन आर ए एन माइनस आर बी आर। तो हमें इसकी बस ए एन तो हमें पता है कि ये रहा 12 है, ए हमें पता है कि फर्स्ट टर्म होती है ये री, और बी हमें पता होता है ये सेकेंड टर्म है ये री। अब हमें आर नहीं पता, तो आर को क्या तरीका है आर को निकालने का? जो भी तुम्हें टर्म कहेगा ना, आर हमेशा उससे एक कम होगा। अगर ये नाइन्थ टर्म कह रहा है तो आर हमारे पास यहाँ पे टर्म से एक कम, मतलब 8 होगा। अब आर भी हमें पता चल गया, एन भी पता चल गया, ए हमारे पास 1 ए ओवर 3 है, ए खुद ही ए ओवर 3 है, मतलब फर्स्ट टर्म समझो। और सेकेंड टर्म हमारे पास माइनस, अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो उसको इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बी ओवर 3 बी हमारे पास माइनस बी ओवर 2 है। अब उस फार्मूले के अंदर तुम ए को रिप्लेस कर दोगे ए ओवर 3 से, बी को रिप्लेस कर दोगे माइनस बी ओवर 2 से, पावर एन की जगह एन लिख लोगे, जो हमारे पास एन वहाँ पे ऊपर गिवन होगा, यहाँ पे 12 गिवन था, तो एन की जगह हम 12 लिख देंगे। अब 12 में से 8 माइनस करेंगे, मतलब आर माइनस करेंगे, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। और बी में से हम लोग माइनस करेंगे, बी में बी बाई 2 में से जो पावर आएगी 8 ये आ जाएगी, तो ए के ऊपर पावर लगा देंगे, बी पे पावर लगा देंगे, 3 पे हमारे पास 4 पावर लगेगी 81 आ जाएगा, 2 पे पावर 8 लगेगी 128 आ जाएगा। जब इधर इवन पावर है ये माइनस साइन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको निकालने का, पिछले लेक्चर में मैंने बताया नहीं था, मेरा कैलकुलेटर नहीं था, इसको निकालने का तरीका हमारे पास है सिंपल, एक मिनट सॉरी, इसको निकालने का हमारे पास तरीका है कि हम लोग क्या करें, इधर आ जाओ कैलकुलेटर के अंदर, ये एनसीआर का ऑप्शन है, तो पहले दबाओ कि तुम्हारे पास जो ऊपर वाली चीज़ है, ऊपर तुम्हारे पास 12, तो इधर आ जाओ 12, इधर सी, इस वाले बटन को दबाओगे सी, सॉरी दो बार दब गया, और 8 12 सी 8 चाहिए था ना, इस तरह 12 डिवाइड बाई 8, इसका मतलब होता है एन सी आर, ऐसे ब्रैकेट में हमने शॉर्टकट के लिए लिखा होता है। तो इसको जैसे ही दबाओगे आंसर लोगे तो 495 आ जाएगा, तो जस्ट इधर हम लोग आंसर लिख देंगे 495। इसको अगर सॉल्व करना चाहो, सिंप्लीफाई करना चाहो, फिर बाद में कर सकते हो सिंप्लीफाई, कट सकता है यहाँ पे तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 1 9 15 9 4, फिर उन्हें पर कट नहीं सकता, 3 से ये 3 से कट सकता है, हाँ ये 3 से काट लो, आगे तुम कर दो, ये 3 से काटोगे तो बस 1 डायरेक्ट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 495 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास 165 आ गया, तो 165 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको काट लो 3 से, तुम्हारे पास आ जाएगा 27 इसी तरीके से अभी और नहीं कट सकता, तो जस्ट सिंप्लीफाई करके इसको इधर लिख दोगे, ये तुम्हारा आंसर होगा जो रिक्वायर्ड टर्म है, तुम्हें जो फाइंड करनी थी 9th टर्म, ये 9th टर्म का आंसर है। इधर तुम्हारे पास जो आंसर होगा आर प्लस 1, तो आर तुम्हारे पास क्या था 8 था, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, तो इधर लाते 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 टी 9 तुम्हारे पास ये है 9th टर्म। थैंक यू।